सारी बातें तो हो जाती है, लेकिन इस समय इस बार काफी प्रभावशाली मंच था और ज्यादा बोलने का समय नहीं मिला और मैं भी ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। यहाँ पे कई लोगों काफी लोगों को भी जानकारी है लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ये जो सरयू पारेख मंच है इसको करीबन 1.5 वर्ष हुआ। ये कोई संस्था नहीं है, ये तो एक विचार सम विचार वाले लोग हैं यहाँ साथ। तो यहाँ पे विजय भैया जो इसके जनक है इनके मन में विचार आया। एक मिनट, एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करीब रहने वाले हमारे बीच हम प्रधानमंत्री के करीब हो गए। पूछो कैसे, आदरणीय जयप्रकाश पांडे जी मंच पर विराजित हैं। जयप्रकाश पांडे जी के बड़े भाई श्री प्रकाश पांडे जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सचिव हैं, तो हमारे बीच नरेंद्र मोदी जी से एकदम करीबी रिश्ता रखने वाले श्री जयप्रकाश पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर सतीश पांडे जी आपको स्मृति चिन्ह और गुलाब पुष्प देकर के उनका स्वागत। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये कोई ये 1.5 वर्ष केवल हुआ है और सबसे खुशी की बात है इन 1.5 वर्षों में ये 7वां सम्मेलन है और ये भी प्रभु की कृपा देखिए सहयोग कितना निराला है कि 7वां सम्मेलन 17 तारीख 7वां महीना 7 फेरे ऐसा प्रभु की लीला ही है, ऐसा सहयोग बढ़ता आया है। और हम सब साथ साथ तो है ही है। तो चलिए भाषणबाजी ना करते हुए मैं आप लोगों को मूल उद्देश्य बता देता हूँ। जो लोग काफी लोग इस बार पहली बार आए हुए हैं तो उनको बता देता हूँ। ये छोटी सी चर्चा एक व्हाट्सएप पे शुरू हुई थी हम सबके आदरणीय और जो प्रेरणा स्रोत है श्री विजय पंडित जी, उन्होंने एक ये प्रश्न उठाया था कि जो समाज में शादी विवाह की समस्या है उसको हल करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो कोई सोच धीरे बढ़ते 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 जो आज आप प्रारूप देख रहे हैं आपके सामने है। अब इसमें हम लोग काम क्या करते हैं, काम ये करते हैं पहला तो हम लोग सम्मेलन करते हैं। तो आप लोग देखते होंगे जो रजिस्ट्रेशन होता है ये रजिस्ट्रेशन भी कार्यक्रम का सबसे प्रमुख हिस्सा भी मैं बोल सकता हूँ क्योंकि वही है। और अभी हमारे कुछ समाज के बहुत मानित गायक लोग हैं और लोग कुछ अपने समर्पित करें गीत आप लोगों को मेरे शब्दों के बाद में। तो मामला ऐसा कि जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है इसका लाभ ये है कि सारी जानकारियाँ इकट्ठी होती हैं और नॉर्मली हम लोग किसी को शादी विवाह में हेल्प कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे को रिश्ते बना के कर सकते, लेकिन उसकी भी सीमा होती है। आप किसी भी बहुत बड़े सामाजिक आदमी के पास जाओगे विवाह के लिए रिश्ते पूछोगे तो 2 बताएगा 4 बताएगा 15 बताएगा 20 बताएगा 20 से ज्यादा बताना तो संभव नहीं है अच्छे अच्छे सामाजिक लोगों के लिए। तो ये हुआ क्या हमारे समाज में ये शादी विवाह की इतनी समस्या उत्पन्न हो रही है, कई लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं। जैसे बीच में मैंने एक लेख भी लिखा हुआ था कि पूरा जीवन इसमें किसी की गलतियाँ नहीं है, आज आदमी का कंपटीशन का ऐसा जमाना है ना चाहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने काम में बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ऐसा समय निकल जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है और वो सार्वजनिक जीवन में ज़्यादा समय नहीं दे पाता है। तो उसके बाद में जब शादी विवाह का समय आता है तब वो चिंतित होता है कि यार मेरे लड़का या लड़की के योग्य वर नहीं मिल पा रहा है या वधू नहीं मिल पा रही है। तब आदमी उस समय काफ़ी परेशान होकर कई लोगों से संपर्क करता है और बोलता है भैया तुम्हें अच्छा रिश्ता होता बताओ कौन अच्छा रिश्ता होता बताओ। तो अपने समाज के लिए टैगलाइन बन चुकी है अगर भैया ने गलत नहीं होती है, सब लोग होते हैं तो रिश्ता हो तो बताइए। तो यही सब समस्याओं को देखते हुए सोचा गया केवल इतना काम किया जाए और हम लोग केवल इतना ही कार्य करते हैं कि विवाह योग की जितनी जानकारी हमारे समाज में उपलब्ध है पूरा प्रयास करके उसको देने का वो सबको उपलब्ध कराने का। और जब संदीप भैया को पता होगा भैया जब पहला हम लोग ने सम्मेलन शुरू किया था और डिटेल मांगने हम लोग जाते थे तो आप विश्वास नहीं करोगे एक लड़के का डिटेल मिलना कठिन हो रहा था, लेकिन जैसा हम लोगों ने पहले कहा था कि ये आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करने जा रहे हैं और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। आज आप खुद देख रहे हो सामने से आके अपने लड़कों का परिचय दे रहे हैं जबकि कुछ परिचय सम्मेलन ऐसे गए कि
कि हम लोगों ने अपने लोगों को बोला कि लड़कों का परिचय दीजिए, सामने से लोग नहीं आते, लेकिन ये काफी बदलाव नजर आ रहा है। इसी प्रकार से जो हम लोगों ने वेबसाइट शुरू किया था पहले, और वेबसाइट के माध्यम से सबको जानकारियां देने का कोशिश किया, क्योंकि इंटरनेट ऐसा माध्यम है कि ये तो संभव ही नहीं है कि हम सब जगह पहुंच सकते, सब जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंटरनेट को सब जगह पहुंच सकता है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि मैं इंटरनेट के साधन का उपयोग करके अपना जो समाज काफी फैला हुआ है, देश विदेशों से आज लोग अपने साथ जुड़ गए हैं, तो सब तक हम कैसे पहुंचे, तो इसके लिए हम लोगों ने वेबसाइट का निर्माण किया, और वेबसाइट कंटिन्यूस बहुत ग्रो होते जा रहा है। और आप सबको मंच पे बैठे हैं, बड़े विनम्रता के साथ मैं सूचित करना चाहूंगा कि करीबन 1.5 वर्षों में 200 से अधिक या तो शादियां हो चुकी है या तो तय हो चुकी है, तो इसको मैं परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ, और ये बिना आप सबके सहयोग के संभव नहीं होता कि कोई बिना किसी संस्था के केवल एक सम विचार वाले लोग इकट्ठा होकर परिश्रम करें और इतना बड़ा रिजल्ट अगर समाज के सामने आए, इसी के नाते हम लोग का मनोबल बढ़ रहा है। तो जैसा मैंने कहा, वेबसाइट की शुरुआत की वो तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो उसके बाद में हम लोग को ये भी समस्या आई कि कई बड़े बुजुर्ग हैं, उनका इंटरनेट से भैया कोई सरोकार नहीं, वो तो बोलते हैं भैया मोबाइल में भी नंबर सेव करना मुझे नहीं आता है, तो अभी इंटरनेट या बात करोगे तो भैया हमको समझ नहीं है। तो हम लोग ने बोला भैया हमको सारे वर्गों को लेकर चलना है, और ताकि इसका लाभ सबको मिल सके, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि उसका कुछ रास्ता निकालना चाहिए। तो उसी प्रकार से हम लोग ने ये सभी वाले समाचार पत्र निकालना शुरू किया, ताकि जो इंटरनेट से फैमिलियर नहीं है उनको सारी जानकारियाँ इस समाचार पत्र के माध्यम से दी जा सके। तो अभी आपको सुन के काफ़ी आश्चर्य होगा, करीबन 2 महीने पहले 180 डिटेल हमने छापे थे, और 2 महीने के बाद में फिर 101 डिटेल आया और एक नाम भी रिपीटेड नहीं। तो आप इससे समझिए कि सब लोग मिली कितनी परिश्रम कर रहे हैं, कितनी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, और इसको भैया हम लोगों ने सोचा था कि मंदिर निकालें, लेकिन बड़ा प्रयास कर रहे हैं, अभी तक तो हम लोग मंदिर नहीं निकाल पाए, लेकिन जैसा सहयोग चल रहा है हम लोग को डिटेल्स मिलते रहेंगे, तो ये जानकारी हम लोग मंथली सर्कुलेट करते रहेंगे। और अभी मैं ज़्यादा ना बोलते हुए वापस निवेदन करूँगा, और कौन भाई बहन परिचय देना चाहते हैं अपने परिवार का? और अभी मैं थोड़ा अवकाश लेना चाहूंगा, अरविंद जी देखेंगे, शुक्ला जी अपना परिचय देंगे।